नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत महत्वपूर्ण खबर के साथ। राजधानी दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी में घमासान मचा हुआ है, तो वहीं दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी के विधानसभा क्षेत्र में एक स्कूल की दीवार गिर गई, जिसके बाद बीजेपी ने आप पर निशाना साधा है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला ने ट्वीट किया है और लिखा है कि दिल्ली का विश्व स्तरीय शिक्षा मॉडल, शिक्षा मंत्री आतिशी के विधानसभा क्षेत्र में नवनिर्मित स्कूल की दीवार 4 महीने में ही गिर गई है। कल्पना कीजिए, अगर बच्चे वहां होते तो क्या होता। ऐसा इसलिए है क्योंकि केजरीवाल सरकार ने इस तरह के निर्माण में 90% कमीशनखोरी की है, केवल शराब घोटाला पर ध्यान केंद्रित किया है। केजरीवाल के महल नुमा शीश महल का निर्माण किया है। तो ये ट्वीट बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी पर एक बड़ा हमला है। तो स्कूल निर्माण में 90% कमीशन खोरी, तो बीजेपी का आप पर बड़ा निशाना। एजुकेशन मिनिस्टर आतिशी मार्लेना के विधानसभा क्षेत्र में ही एक बारिश का झोंका आया तो उसकी दीवार ही गिर गई। बताइए, ये वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल है जिसमें 16 करोड़ की लागत से बना स्कूल, 4 महीने पहले निर्माण हुआ स्कूल, उसकी दीवार बारिश आने पर गिर जाती है। कैसा एजुकेशन मॉडल है, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल, कि एजुकेशन मिनिस्टर के क्षेत्र में ही जो स्कूल 4 महीने पहले निर्माण हुआ है वो गिर जाता है। मुझे लगता है कि आज सवाल का जवाब होना चाहिए कि क्यों सारे पैसों का जो इस्तेमाल किया जाता है वो शीश महल तो बनाने के लिए किया जाता है, वहां पर आलीशान मार्बल, आलीशान पर्दे और बहुत ही तगड़ी दीवार खड़ी करी जाती है क्योंकि वो जनता का पैसा है, वो वहां पर लग रहा है। परंतु स्कूल बनाने में कितना मोटा भ्रष्टाचार, कितना बड़ा करप्शन। मुझे लगता है कि ये 90% करप्शन और कमीशन वाला काम है। एजुकेशन मिनिस्टर आतिशी मार्लेना के विधानसभा क्षेत्र में ही एक बारिश का झोंका आया तो उसकी दीवार ही गिर गई। बताइए, ये वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल है जिसमें 16 करोड़ की लागत से बना स्कूल, 4 महीने पहले निर्माण हुआ स्कूल, उसकी दीवार बारिश आने पर गिर जाती है। कैसा एजुकेशन मॉडल है, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल, कि एजुकेशन मिनिस्टर के क्षेत्र में ही जो स्कूल 4 महीने पहले निर्माण हुआ है वो गिर जाता है। मुझे लगता है कि आज सवाल का जवाब होना चाहिए कि क्यों सारे पैसों का जो इस्तेमाल किया जाता है वो शीश महल तो बनाने के लिए किया जाता है, वहां पर आलीशान मार्बल, आलीशान पर्दे और बहुत ही तगड़ी दीवार खड़ी करी जाती है क्योंकि वो जनता का पैसा है, वो वहां पर लग रहा है। परंतु स्कूल बनाने में कितना मोटा भ्रष्टाचार, कितना बड़ा करप्शन। मुझे लगता है कि ये 90% करप्शन और कमीशन वाला काम है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, देखिए किस तरीके से अध्यादेश मामले के बीच अब एक बार फिर से बीजेपी को बड़ा मौका मिल गया है आम आदमी पार्टी पर हमलावर होने का, और तस्वीरें जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं उसके अनुसार क्या कुछ बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, क्या सत्यता। देखिए, अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से एक तरफ दिल्ली सरकार शिक्षा, बेहतर शिक्षा मॉडल को कहीं ना कहीं पेश करती है, और इसी कड़ी में अगर हम बात करें तो कल जिस तरीके से स्कूल की दीवार गिरी है, और बताया जा रहा है कि ये दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी मार्लेना के विधानसभा क्षेत्र में स्कूल आता है और करीब 4 महीने के अंदर ही ये दीवार गिर गई। इसके बाद बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी की ओर से तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। शहजाद पूनेवाला जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने सीधे तौर पे ये कहा है कि दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी मार्लेना के विधानसभा क्षेत्र में एक स्कूल था, उसकी दीवार गिर गई, और उसके बाद कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि दिल्ली का विश्व स्तरीय शिक्षा मॉडल शिक्षा मंत्री आतिशी के विधान पेश किया जाता है, और कहीं ना कहीं आप कल्पना कीजिए किस तरीके से वहां पे बच्चे पढ़ते होंगे। और ये भी शहजाद पूनेवाला की ओर से कहा गया कि दिल्ली सरकार ने कहीं ना कहीं इस तरीके के निर्माण में करीब 90% की कमीशनखोरी की है। इसके साथ ही निश्चित रूप से आपने देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है वो कहीं ना कहीं हमलावर रही है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस दीवार गिरने के बाद से आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, और तमाम बीजेपी के नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। शहजाद पूनेवाला ने सीधे तौर पे आम आदमी पार्टी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि बताया
जो स्कूल है वो आरसी मरलेना जो कि शिक्षा मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, उनके विधानसभा क्षेत्र कालकाजी के श्रीनिवासपुरी में बनाया गया था। लेकिन ये भी स्थानीय लोग बता रहे हैं कि करीब 4 महीने के अंदर ही ये दीवार गिर गई। अगर स्कूल खुला होता तो कहीं ना कहीं उसमें बच्चे होते और आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से एक बड़ा हादसा हो सकता था। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार पर हमला कर रही है जुबानी तौर पर, और तमाम तरीके के जो आरोप है वो दिल्ली सरकार पर लगाया जा रहा है। हालांकि अभी दिल्ली सरकार की ओर से अभी फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी के इन आरोपों पर दिल्ली सरकार की ओर से क्या है। बिल्कुल, देखिए एक बड़ा मौका बीजेपी को मिल गया है आम आदमी पार्टी पर हमला करने का, और देखिए किस तरीके से अब इसको सियासी रंग दिया जाता है देखना होगा। पीयूष आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए।